हाउ टू गेट इट गेट द इंटर्नशिप. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. बिगर लेवल कंपनीज, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज, यू नो, यू यू कीप ऑन हियरिंग ऑन लिंक्डइन के आर गूगल, फेसबुक, मैंग लेवल, फैंग लेवल कंपनीज. एक है मिड लेवल कंपनीज, एक है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. नाउ आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू गाइस इन द चैट, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज यू वांट टू डू इंटर्नशिप इन, जस्ट राइट इन द चैट. ठीक है, सो सी, आई कैन सी लाइक मैंग लेवल कंपनीज, स्टार्टअप, सबका अपना अपना चॉइसेस है. फर्स्ट, जो बिगर लेवल कंपनीज है, जैसे मैंग लेवल है या फिर फ्लिपकार्ट, ओला, ऊबर, जो भी, जो बड़ी का बहुत बड़ी कंपनीज हो गई है, ये लोग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हायर नहीं करते. इनका करियर ओपनिंग्स होता है, करियर प्लेटफॉर्म. सो इनके करियर पेज पे जाके आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा कि वेयर द ओपनिंग इज. अगर ओपनिंग आएगा तभी आपको इंटर्नशिप आप अप्लाई कर सकते हो. व्हाट आई हैव सीन इज दैट पीपल रैंडमली अप्लाइंग ऑन, यू नो, उनके प्रोडक्ट मैनेजर को लिंक्डइन पे कोल्ड मेल भेज दिया, या फिर ऐसे है कि कोई एक मेल लिखा और सारी ईमेल आईडीज को मेल कर रहे हैं, वो वर्कआउट नहीं करता है. लेट मी टेल यू ना, सो आई वर्क विद लाइक 5,000 पार्टनर कंपनीज एंड आई हैव सीन कि इफ यू स्टार्ट डूइंग रैंडम मैसेजेस, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है. आप 1 महीना तक मैसेज भेजते रह जाओगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग ही नहीं है. तो बिगर कंपनीज में काम ऐसे करता है कि ओपनिंग्स होती है तो दे स्टार्ट रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड वो सारा प्रोसेस के थ्रू होता है. अगर ओपनिंग नहीं है तो आप कितना भी कोल्ड मेल भेज रहे हो, कुछ भी कर लो, आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा. मिड लेवल और स्टार्टअप्स को रीच आउट करने के लिए प्लेटफॉर्म सबसे सही तरीका होता है. सो आप यू गो टू लाइक लिंक्डइन, उनके फाउंडर्स या फिर जो जॉब पोस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप जॉब पोस्ट सर्च करो, या फिर क्यूवेट है प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहुत सारे इंटर्नशिप्स आते रहते हैं तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो. एंजल लिस्ट है, ठीक है, दो तीन और प्लेटफॉर्म्स है, इंटर्नशाला यू कैन चेक, वहां पर भी कुछ कंपनीज आते हैं वहां पर, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज, जो बहुत छोटे अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जो जस्ट चालू किए, तो उनके फाउंडर्स को आपको मेल करते रहना हो. सो आप एक और काम कर सकते हो कि यू कीप ऑन चेकिंग विच आर द कंपनीज हु हैव रिसेंटली रेज्ड देयर फंड्स, है ना. इट कीप्स ऑन कमिंग ऑन द न्यूज एंड देन यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू देयर फाउंडर्स कि यार आई वॉन्ट टू डू एन इंटर्नशिप विद यू, आई वॉन्ट टू वर्क विद योर टीम एंड आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी. नाउ देर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच यू शुड चूज वेन यू आर अप्लाइंग टू द कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस स्टेटमेंट कि रैंडमली अप्लाई करते रहो कहीं ना कहीं लग जाएगा. बहुत यूट्यूबर्स या फिर कहीं से सुना होगा आपने, है ना, कोई लिंक्डइन पे लिख रहा है कि मैं 100 जगह रैंडमली अप्लाई किया था, या फिर किसी ने सजेस्ट किया होगा आपको कि रैंडमली अप्लाई करते रहो कहीं ना कहीं लग जाएगा. ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स. दोज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू नो रिजल्ट, है ना, क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ इट कि इफ समवन इज विलिंग टू पे यू मनी फॉर योर सर्विस, है ना, सम स्टाइपेंड या कुछ भी, या फिर तुम्हारे साथ काम करना अगर कोई चाहेगा, वो रैंडम मेल से कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलो आ जाओ, ठीक है, जब उसको जरूरत होगा तभी वो हिट करता है. ठीक है, एंड आई हैव सीन पीपल रैंडमली मैसेजिंग मी दैट आई वॉन्ट टू वर्क ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन डेटा एनालिसिस टीम. We do not have any such openings, so why I will respond to them? So you will not get any response because the opening is not there, our focus is not there, so you will not get response on that. So be very specific, है ना. Suppose you have worked on Java, to try to apply on only Java jobs or the companies who are working on Java, who are building products using Java. If the company has a product management team, then only reach out to them कि product management में मैं काम करना चाहता हूँ. If the company has a mobile app, then only you can contribute to their Android or whatever, you know, React or whatever. So randomly apply नहीं करना है. सबसे पहले एक Excel sheet बनाना है कि और उसमें maintain करना है सारी companies का नाम जहां जहां तुम apply करना चाहते हो. Then start maintaining it. उसको color code करो कि ये green है, ये मेरे low priority है, and ऐसे कुछ 50 companies में apply करो. 50 जो आपसे relevant है, जो आपको skills आता है, and then वहां apply करना है आपको. 50 में आप अप्लाई करोगे, आपका 10 में इंटरव्यू सेट होगा, एक में लग जाएगा, सारे में रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है, ये ध्यान रखो. सो मेनी ऑफ द टाइम्स पीपल टेल मी कि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर मैंने असाइनमेंट किया था रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. इट हैपन्स, इट्स अ फनल एक्चुअली. इफ यू रीच आउट टू 100 रेलिवेंट कंपनीज, यू विल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम 30 कंपनीज, यू विल डू असाइनमेंट फॉर 10 कंपनीज से, एंड देन यू विल गिव 5 इंटरव्यूज, राइट. एंड एप्लीकेशन शुड बी क्विक, तो फिल्टर आउट करके रखो कि कहाँ, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन काफी क्विक बनाया है. सो एप्लीकेशन क्विक करना है, हर दिन, मतलब 1 महीने के ड्यूरेशन में यू हैव टू अप्लाई ऑन लाइक 50-60 रेलिवेंट कंपनीज. आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस रेलिवेंट टर्म.
अगर इररिलेवेंट आप करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आप रिजेक्ट होते रहोगे एंड दैट इज नॉट गुड. तो बी वेरी स्पेसिफिक ऑन इट. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग इज आप अपना रेज्यूमे कैसा बनाते हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है. ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू राइट नाउ इज कि एनी वन ऑफ यू गाइज लाइक कैन यू जस्ट शेयर योर लिंक्डइन आईडी हियर. आई कैन रिव्यू लाइक 2-3 लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई कैन गिव यू आइडिया कि व्हाट इज अ गुड, हाउ, व्हाट आर द थिंग्स यू नो यू हैव टू मेंशन ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. ओके ओके कैन यू सी द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ वासु. सो वासु इज ए वीआईटी सोफोमोर एंड ही वर्क्स ऑन एज अ चैप्टर लीड. देर आर यू नो सम कंपनी नेम एंड देन इंस्टाग्राम. ओके सो आई थिंक यू नो दिस इंस्टाग्राम थिंग इज नॉट नीडेड हियर. जस्ट थिंक ऑफ इट कि कोई भी कंपनी आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं देखना चाहेगा, राइट? यू कैन रादर पुट सम मे बी प्रोजेक्ट लिंक और वट एवर लिंक, बट इंस्टाग्राम इज नॉट नीडेड हियर. अबाउट जो है आपका वो बहुत क्लियर कट होना चाहिए, है ना? इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं वासु, सो दैट यू नो. सो सी वॉट आई हैव इज दैट यू नो आई जस्ट हैव 1 or 2 minutes टू ग्लैंस थ्रू योर प्रोफाइल. तो वट आई विल गो इज लाइक आई विल जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग, है ना? तो यू कैन जस्ट यू नो मेक इट मेक दिस स्मॉल एज वेल. लाइक ट्राई टू कवर द थिंग्स विच यू नो द बेस्ट, है ना? सपोज इफ यू नो डीप लर्निंग एंड नोड जेएस, और इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन डीप लर्निंग एंड नोड जेएस, जस्ट राइट इट देयर डीप लर्निंग एंड नोड जेएस, है ना? जितना ज्यादा कॉन्टेंट या टेक्स्ट होगा ना मेरे को उतना मुश्किल होगा जिस्ट निकालने में एक ग्लैंस में. एंड आई जस्ट हैव ओनली वन ग्लैंस, आई कैन जस्ट गिव लाइक 1 minute और 2 minutes टू इट. सो सी इफ आई रीड इट फ्रॉम अबव आई कैन सी सी प्लस प्लस पाइथन जावा स्क्रिप्ट ओपन सी वी ओके एच टी एम एल. सो वॉट आई गेट इज दैट कि ओके वासु कैन वर्क ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क यूजिंग जावा स्क्रिप्ट और ओपन सी वी. थोड़ा थोड़ा मशीन लर्निंग इमेज रिकॉग्निशन टाइप्स कुछ काम कर सकता है, पाइथन में काम कर सकता है, सी प्लस प्लस. आई विल जस्ट गो डाउन, आई विल सी कि ठीक है डेटा साइंस में 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 2 महीने का यहाँ पर इस तरीके का एक्सपीरियंस है. एंड एंड आई विल जस्ट यू नो गो थ्रू गो लाइक दिस, है ना? एंड जितना ज्यादा होगा ये, सो लिंक्डइन पे क्या होता है, आई वॉन्ट टू सी कि कितना ज्यादा एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस एड करूँ. ठीक है. बाकी इट्स ऑल गुड. मेजर कोर्सेज यू हैव डन दिस, यू हैव डन ऑल द सर्टिफिकेट्स आर देयर, इट्स गुड. ओके सो आई थिंक यू नो वासु हैज ऑलरेडी एड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. वासु यू कैन डू वन थिंग इज दैट कि आप थोड़ा इसको स्मॉल कर सकते हो, जैसे इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो रादर देन टेक्स्ट. पैराग्राफ की जगह ना पॉइंट्स में लिखो इसको, 1 point 2 point 3 point. तो इट इट शोज लाइक यू नो इट इट गिव्स मी अ इजी रीडेबिलिटी थिंग. ठीक है. आई विल गो टू नेक्स्ट लिंक्डइन प्रोफाइल. सो आई विल टेक निपुण शर्मा. ओके सो एवरीबडी कैन सी निपुण, राइट? निपुण्स लिंक्डइन आईडी. सो निपुण सी यहाँ पर हेडिंग डालो, कुछ अपना हेडलाइन डालो यहाँ पे कि हु आर यू या फिर कौन से कॉलेज से हो. थोड़ा 2-3 लाइन का यहाँ पर होना चाहिए सो दैट इट लुक्स गुड. एंड गोइंग डाउन एक्सपीरियंस में, सी एक्सपीरियंस में ना ट्राई टू एड सम प्रोजेक्ट्स. इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस यू कैन राइट योर कॉलेज एक्सपीरियंस एज वेल कि कोई टीम के साथ काम किया हो. ठीक है. या फिर कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हो जस्ट राइट इट, है ना? सर्टिफिकेशंस यू हैव ऑन मैटलैब. ठीक है. सो इफ यू विल अप्लाई ऑन से अगर मैं ये प्रोफाइल देखूँ तो इफ यू आर अप्लाइंग ऑन समथिंग मैटलैब तो इट कैन वर्क. ठीक है. यहाँ पर ये पूरा डिटेल फिल करो, बेसिक बेसिक डिटेल फिल करना है, पॉइंट्स में रखना है चीजों को, टेक्स्ट नहीं बनाना है. ठीक है. ओके शीतल श्रेया. ओके सो शीतल सी वीआईटी. ठीक है. गूगल क्लाउड सोर्सिंग वेब डेवलपर डेटा साइंस. ठीक है. सो सी ये थोड़ा ना क्लैरिटी है तो आई थिंक गुड वर्क हेयर शीतल. यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि यू आर डेटा साइंस एमएल एंथुसियास्ट एंड यू आर वेब डेवलपर एंड पर्सनल वेबसाइट का लिंक है. गुड. यहाँ पर ये शॉर्ट है. ठीक है. लव टू ड्रॉ कलरफुल आइडियाज इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन करेंटली परसिंग बीटेक बाय द कोरोनास हेल्थ केयर सेक्टर. इसको थोड़ा और डिटेल यू कैन ऑल्सो ऐड कि व्हाट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन और कुछ स्किल सेट्स भी ऐड कर सकते हो. नाउ सी सबसे पहले ऐसे है कि एक्सपीरियंस में टेक्निकल हेड एंड यहाँ पर डिटेल ऐड करो. कंटेंट राइटर में तुमने क्या काम किया है, किसके साथ काम किया है. यहाँ पर तुमने डिटेल ऐड नहीं कर रखा है सो ट्राई टू ऐड डिटेल्स इन पॉइंट्स कि व्हाट वर्क यू हैव डन.
तो इट मेक्स इट लुक गुड एक्चुअली, थोड़ा फिल लगता है. बाकी ठीक है, यू हैव ऐड लाइक लॉट ऑफ सर्टिफिकेट हियर एंड प्रोजेक्ट्स आल्सो यू हैव ऐडेड हियर. प्रोजेक्ट्स में भी यू नो, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट ट्राई टू ऐड इन लाइक पॉइंट्स, मीन्स पैराग्राफ अवॉइड करो. ठीक है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध संतोष. ओके, इंटर्न एनआईटी वारंगल, एआईएमएल इंटरनल मशीन लर्निंग, क्लियर है. सी प्लस प्लस, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरनेटिक्स. आई कैन गेट अ जिस्ट है ना कि क्या करना चाहते हो लाइफ में एंड कहाँ अप्लाई कर रहे हो. दिस यू कैन यू नो मेक इट मोर डिटेल्ड, थोड़ा और पॉइंट्स लिखो लाइक क्या काम किया है रिसर्च इंटर्न में, क्या काम किया है, एड ऑल दोज थिंग्स यू नो. सो ओके, तो डिड यू गाइज गॉट लाइक व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल? सो लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया है ना. सो बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं मैं ताकि थोड़ा सिंक इन हो, है ना. देन यू नो आई विल कवर इट वेरी फास्ट एट द लास्ट. धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को फास्ट लगता है कभी कभी. तो जस्ट टेल मी है ना कि ये लिंक्डइन वाला चीज समझ में आया ना, कैसे प्रोफाइल बनाना है. थोड़ा प्रोफाइल डिसेंट दिखना चाहिए, प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, बिना प्रोफाइल ब्लैंक प्रोफाइल फोटो का नहीं होना चाहिए. ट्राई टू ऐड कनेक्शंस, थोड़ा कनेक्शंस ऐड करो. ट्राई टू रीच आउट टू पीपल, है ना, फाउंडर्स, स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स, कनेक्शन बनाओ. एंड ट्राई टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन एज वेल. सपोज क्या होता है ना, सी लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क. जो भी तुम काम कर रहे हो ना, ट्राई टू ऐड अ जस्ट वहां पर पोस्ट कर दो कि आज मैंने ये किया है या फिर इस वीक मैंने ये अचीव किया है. कि कीप ऑन पोस्टिंग इट एंड टैगिंग रेलिवेंट पीपल. उससे क्या होगा कि यू विल गेट सम विजिबिलिटी. अगर आपको विजिबिलिटी मिलेगा तो पीपल विल डायरेक्टली रीच आउट टू यू, यू ऑल्सो डोंट हैव टू रीच आउट टू देम. तो ये करना जरूरी है टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटर्नशिप ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब्स एज वेल. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट्स नॉट अबाउट ओनली कि मुझे यहाँ पर इंडिया में ना अमेजोन में जॉब करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. हो सकता है कि कोई न्यूयॉर्क में कोई कंपनी हो, उसको अगर आपका सही लगे लिंक्डइन पे, आपका प्रोफाइल सही लगे, तो हो सकता है वो आपको रीच आउट कर ले. जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ भी है कि कोई MIT स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन लोगों ने रीच आउट कर लिया, या फिर कोई दूसरे अच्छे ग्रुप है, कोई यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर्स हैं जो रीच आउट कर रहे हैं. तो इट हैपेंस है ना, कीप द डोर्स ओपन, डू नॉट थिंक इन वन डायरेक्शन. कि इंडिया में व्हाट हैपेंस इज दैट, इनफैक्ट स्पेसिफिकली इन कॉलेजेस व्हाट हैपेंस कि हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं कि जो कैंपस में जो जॉब्स आएगा बस मेरा वही है करियर, है ना. इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. यू हैव टू कीप इट, कीप योर डोर्स ओपन, कीप ऑन पोस्टिंग व्हाट एवर यू आर लर्निंग. ठीक है, नाउ सीवी में रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. ओके, सो बाय सीवी व्हाट आई मीन इज दैट, जो भी आप रेज्यूमे बना रहे हो ना, उसमें दो तीन चीजें बहुत जरूरी है. आप जब अप्लाई करते हो तो आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट देखते हैं सारी कंपनीज. बाकी आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या फिर जो आपने कॉलेज में कुछ अलग से किया है, वो सब बाद में सेकेंडरी लेवल चीजें होती है. सपोज आपने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्लाई किया, तो सबसे पहले कोई भी रिक्रूटर आपका वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट देखेगा, एंड वो प्रोजेक्ट्स में लिंक डालना बहुत जरूरी है. व्हाट आई हैव सीन इज कि पीपल, लोग लिंक नहीं डालते हैं कि मैंने ये काम किया, वो दिखना चाहिए. तो वहां पर लिंक्स डालो एंड डिस्क्राइब बहुत अच्छे से करो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को एंड वर्क एक्सपीरियंस को. उसमें मैं तीन फंडामेंटल्स बताता हूँ कि आपको कैसे डिस्क्राइब करना है. पहला, आपने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया है, ये पॉइंट होना चाहिए. दूसरा, आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है, क्या टेक्निकल टूल्स यूज किए हैं. थर्ड, आपका रिजल्ट क्या है. ये तीन चार पॉइंट्स बहुत ऊपर ऊपर से थिंक ऑफ इट लाइक कि अगर मैं ऐसे ऊपर से देखूं उसको, तो मैं 10 सेकंड में फिगर आउट कर लूं, ठीक है, कि ये क्या क्या आप बोलना क्या चाहते हो अपने रिज्यूमे से, एंड वन ग्लैंस में मैं देख सकूं उसको. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिज्यूमे, है ना. आई थिंक, आई होप आपके बहुत सारे क्वेरीज होंगे, तो मैं उसको क्लियर करूंगा बाद में कि कैसे बना सकते हैं. देन रैंडमली अप्लाई नहीं करना है. सीवी जो आप लिंक्डइन में किसी को भेज रहे हो, तो एक प्रॉपर वैसा होना चाहिए, कुछ एक मैसेज के साथ भेजो. एंड वो मैसेज कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए. जो जेनरिक आपको कहीं गूगल सर्च में मिलता है ना, वो मैसेज यूज मत करो. ठीक है, ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक. जब एंड थोड़ा रिसर्च करके भेजो कि व्हाई यू वांट टू वर्क. सपोज यू वांट टू वर्क विथ मी, तो आप जब मेरे को मैसेज भेज रहे होगे, तो उसमें बहुत रिसर्च करके आपको भेजना है कि आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन दिस प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. वो मेरे को ज्यादा एक्साइट करेगा एज कम्पेयर टू आप मेरे को कोई कॉपी पेस्टेड मैसेज जो सबको भेज रहे हैं. वो करते रहोगे अगर आप, तो हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, बट जरूरी नहीं आपका रिजल्ट आएगा उससे. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज, अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो हरी मत करो, स्किल सीखो.
जरूरी नहीं है कि आपको कंपनीज में जाके इंटर्नशिप करना है, जरूरी नहीं है आपको पेड इंटर्नशिप ही करना है, आप अनपेड इंटर्नशिप ही कर लोगे तो आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सीख लोगे। इंटर्नशिप का मीनिंग ये नहीं है कि आपको जाके ना हाई स्टाइपेंड कमाना है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर यू नो इन्फ्लुएंस्ड और फेल्ट फोमो वाइल लिसनिंग टू अदर्स पीपल स्टाइपेंड? ओके, सो सबको होता है, इट्स वेरी कॉमन है ना, इन कॉलेज बहुत कॉमन होता है कि दूसरों को देख के यार उसका अमेजोन में 1 लाख का स्टाइपेंड लगा है, राइट? या फिर 50,000 का स्टाइपेंड लगा है, एंड आई वॉन्ट टू कम्पीट। दिस इज ऑल बिकॉज कि हम 10th में भी कम्पीट कर रहे थे, 12th में भी कम्पीट कर रहे थे, बट अब कॉलेज में वो नहीं करना है। ये आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेटर है। लॉन्गर गोल के लिए काम करो, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब। तो अगर आपको स्किल नहीं आ रहा है, अगर आपको स्टाइपेंड हाई इंटर्नशिप नहीं लग रहा है, आपको अनपेड इंटर्नशिप मिल रहा है, बट टीम अच्छी है, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको कोई प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट मिल रहा है कैंपस में ही, गो फॉर इट। अगर कोई IIT या फिर कोई VIT में ही, कोई NIT में भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जा रहा है, जस्ट गो फॉर इट। डू एनी इंटर्नशिप जस्ट टू गेट अ एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब। यू नेवर नो, मतलब आपको नहीं पता है कि, मैं आपको एक लूप बताता हूँ, कोई अमेजोन में अगर इंटर्नशिप करने जाता है, इट्स वेरी हाई चांस कि वो अमेजोन में जॉब भी करने चला जाएगा, क्योंकि वो अमेजोन में अच्छा परफॉर्म अगर करता है तो उसको PPO मिलेगा, एंड देन वो कुछ और सोचेगा भी नहीं कुछ और करने का लाइफ में। सो डोंट बी वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू वन गोल, है ना? इट मे हैपन कि आपको US बेस्ड कंपनी में हाई सैलरी मिल जाए एज कम्पेयर टू जो अमेजोन में मिल रहा है इंडिया में, या फिर अमेजोन में आपका ऑफ कैंपस लग जाए, या फिर कोई स्टार्टअप आपको हाई पेइंग दे दे, या फिर आप खुद का स्टार्टअप कर लो, किसी को कुछ नहीं पता है, राइट? तो फ्रॉम द डे वन एट कॉलेज डोंट बी वेरी रिस्ट्रिक्टिव कि मैं इन्हीं कंपनीज में जाना चाहता हूँ, है ना? बी वेरी फ्लेक्सिबल कि मैं सारी चीजें ट्राई आउट करूंगा, एंड मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा उसको, मैं पहले देखूंगा कि करना चाहिए कि नहीं, 4 लोगों से डिस्कस करूंगा, एंड अगेन 4 लोग कॉलेज में नहीं होने चाहिए। ट्राई टू बी कनेक्टेड विद आउटर पीपल इन द इंडस्ट्री, नॉट विथ इनर सर्कल। तुम अगर कॉलेज में पूछोगे किसी भी स्टूडेंट से तो वो सेम ही एडवाइस देगा, या फिर कॉलेज को कोई भी सीनियर से पूछोगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम एडवाइस देगा। ट्राई टू नेटवर्क विथ पीपल आपके कॉलेज से जो बाहर एलुमनाई बन गए हैं, उनसे बात करो कि क्या बेहतर है, वो ज्यादा बेटर आपको बताएं। नेक्स्ट इज, सो लास्ट व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर स्किल नहीं है ना, तो स्किल सीखने में टाइम लगाओ, क्योंकि सो दैट यू कैन गेट अ जॉब। क्योंकि क्या होगा, अभी आप हरी कर रहे हो कि मेरा इंटर्नशिप लग जाए, आप हरी करते करते आपका इंटर्नशिप भी नहीं लगेगा और आप टाइम भी वेस्ट कर दोगे। तो स्किल सीखो अगर स्किल नहीं है तो, एंड अपने आप को बेहतर बनाओ ताकि आपका जॉब बेटर लगे, ठीक है? एंड अभी का जैसा मार्केट सिनेरियो ना, थोड़ा डाउन गया है मार्केट सिनेरियो, बिगर कंपनीज के लिए डाउन है, स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए उतना बुरा नहीं है। तो ट्राई टू यू नो टॉक टू देम, मतलब फाउंडर्स, दे आर हैविंग ओपनिंग, यूज द प्लेटफॉर्म वेरी रिगरसली, क्यूवेट प्लेटफॉर्म रिगरसली यूज करो, एंड ट्राई टू अप्लाई ऑन एज मेनी एज इंटर्नशिप, है ना? एंड बी इन टच विथ मी, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, विद इन 24 आवर आई विल रिप्लाई, ठीक है? तो आई कैन हेल्प यू, बट डोंट आस्क रैंडम क्वेश्चंस, है ना? रैंडम क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। बी वेरी स्पेसिफिक, प्लेटफॉर्म बहुत सिंपल है, जाके प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल एकदम डिटेल्ड होना चाहिए, सारे स्किल्स ऐड करो, सारे प्रोजेक्ट्स लिंक्स जितना है सब ऐड करो, ट्राई टू अप्लाई ऑन रेलिवेंट कंपनीज जहाँ आप फिट बैठ रहो, वो भी हमारा प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करता है कि परसेंटेज मैच आपका इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो आप वहां जाके अप्लाई करो, देन आप वेट करो, आपका सारा कंपनी में आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आप 50 में अप्लाई कर रहे हो ना, तो हो सकता है 20 में रिप्लाई आए, इट्स ओके, है ना? देन वो 20 में आप जो रिप्लाई आ रहा है ना, ट्राई टू बी वेरी एक्टिव इन कम्युनिकेशन विद देम, उनका असाइनमेंट कंप्लीट करो, एंड आपका किसी ना किसी एक में लग जाएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक यू नो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू कन्वे।